27 लोग वोट देते हो, बाकी लोग क्या कहाँ गए हो? और इसमें से क्या, इसमें से 84% बचवा गलती आंसर दिया है, बताओ 84%। अब बताओ मैं क्या ही कहूँ। तो बस यही विनती है, रिक्वेस्ट भी है कि अभी टाइम है, पढ़ लो, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर वही जाकर के प्राइवेट में 30-40 हज़ार दोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, कैसे काम मत करो करना। तैयारी, छोड़ दो, घर बैठ जाओ। एक टीचर को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? आपको पता है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कोई भी टीचर इतना मेहनत करता है और उसके अनुसार उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को होता है। आप सोचो कि आपके लिए ठंड में, गर्म में, जो भी, बरसात में, हर टाइम पे क्लास प्रोवाइड कराया जाता ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। बच्चे का सर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, तो मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ पर डे, क्वेश्चन का सीरीज, कितने भी ठंडी हो कितने भी गर्मी हो क्वेश्चन हम लोग करवाते ही करवाते हैं। उसके बाद भी एक क्वेश्चन को मैं कई बार करवाया हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी पोल में दिया था, तो कितने बच्चों ने गलती किया उसको देख करके मुझे लगा वाकई में कि क्या हो रहा है। सोचो इस, आप खुद स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, आपको लग रहा है कि आपने सही किया है, आप खुद देखो, इसको देख कर कोई टीचर क्या बोलेगा कि हाँ सही में पढ़ाना, क्या करना चाहिए, बंद ही कर देना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई। अब सोचो ये क्वेश्चन, चलो ये तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें तो काफी गलत किए हो, पहले क्वेश्चन में तो काफी सही किए हो। अब जो कह रहा, मैंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, इनमें से कौन सा मिश्र धातु है, तो सिर्फ और सिर्फ पहली बात मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, तो लगभग के लगभग 427 वोट आए हैं, सिर्फ 427 वोट, और लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? 28 लोग लाइक किए हैं कमेंट से, उसकी बात हटाओ। इसमें से 82% लोगों ने क्या दिया है, 82% लोगों ने पीतल यानी कि ब्रास होगा इसका आंसर, एकदम सही बताया है, एकदम सही है, ये तो रिजल्ट मुझे सेटिस्फेक्टरी लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे हैं आर्सेनिक बता रहे हैं, बताओ भाई आर्सेनिक तुम्हारा वो मिश्र धातु लग रहा है, एलोय लग रहा है, एंटीमनी तुमको मिश्र धातु लग रहा है, और टिन तुमको ये मिश्र धातु लग रहा है, तो मिश्र धातु क्या होगा, एलोय कौन होगा, एलॉय आपका पीतल होगा, ब्रास, ब्रास क्या होता है, एलॉय होता किसका, सर कॉपर और जिंक का। ये तो थोड़ा सेटिस्फेक्टरी रहा। और मैं आपको बता दूं कि पर डे लगभग मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में देता हूँ, सब लोग क्या करो, वोट करो, सारे लोग वोट करो जाकर के, कि मैं देखूंगा कितने लोग सही कर पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देख करके हम माथा पकड़ लिए थे अपना, हम कहें कि या तो मैं ही पढ़ाना छोड़ दूं या फिर बच्चे ही पढ़ाई करना छोड़ दे तो बेटर रहेगा, ठीक है, या फिर कोचिंग संस्थान ही बंद कर दिया जाए सबका। क्यों? क्योंकि बच्चों को मतलब क्या, मतलब हद होती है। देखो मैंने क्वेश्चन दिया कितना बढ़िया, मैंने कहा रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो 84% गलती कर दिया है सब, क्या बोलूं, क्या बोलूं तुम लोगों को। अब ये क्वेश्चन तुम विश्वास मान, इसी 2023 की बात करूं, मतलब 2023 के सेशन में बात करूं मैं, तो कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हम रिपीट कर दिए हैं, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हम रिपीट किए हैं, और ये पूरा चैप्टर का थ्योरी ही मैंने बहुत डिटेल पढ़ा दिया है, और कई बार मैंने चिल्ला करके बोला है कि बेटा ये क्वेश्चन एकदम आता है एग्जाम में, कई बार पूछा और पूछा जाएगा, फिर भी 84% बच्चों ने गलती का आंसर कर दिया, बताओ अब इसका क्या उपाय है। 10% बच्चों ने सही किया है, इन्हीं का सिलेक्शन भी होगा, बाकी तो तुम लोग पता नहीं कहाँ जाओगे, अब क्या हो सकता है, हेनरी बेकरल, और सही जवाब यही होगा, हेनरी बेकरल ही होगा। 10% मैडम क्यूरी बाद में आई है ना भाई, तो मैडम क्यूरी का ही जवाब 84% बच्चों ने दिया है। रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड देख लो बाबू, रेडियो एक्टिविटी खोज रदरफोर्ड भी किया था, देखो यहाँ पे 2% ने ये भी जवाब दे दिया, 2% बच्चों ने यह जवाब दे दिया कि हाँ रेडियो एक्टिविटी खोज जितने भी किया था, हमको बहुत बढ़िया बाबू। और 245 लोग वोट दिए, बाकी लोग बकरी चराने गए थे, कहाँ गए थे बाबू, बकरी चराने गए थे, अपना अपना पढ़ाई छोड़ के बकरी और भैंस चरा रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ। इस क्वेश्चन को मैं 4 बार 5 बार करवा चुका हूँ, पूरा थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, बोल चुका हूँ, यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, बनते हैं, बनेगा। उसके बाद 84% बचवा गलती कर दिया, बताओ हमारी गलती है ना कि हम पढ़ा रहे तुम लोगों को, कि तुम्हारी गलती है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। अभी भी समय है बाबू, वक्त है, सुधर जाओ, पढ़ लो बढ़िया से कम से कम, और क्वेश्चन को बढ़िया से देख के ट्रिक लगाया करो, और जो क्वेश्चन मैं पोल में देता हूँ सब लोग एक बार पढ़ा करो, समझ रहे हो, और उसको क्या किया करो, वोट किया करो, बताओ 245 लोग और ये 427 लोग वोट देते हो, बाकी लोग क्या कहाँ गए हो, और इसमें से क्या, इसमें से 84% बचवा गलती आंसर दिया है, बताओ 84%। अब बताओ मैं क्या ही कहूँ,
तो बस यही विनती है, रिक्वेस्ट भी है कि अभी टाइम है, पढ़ लो, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर वही जाकर के प्राइवेट में 30-40 हज़ार दोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, कैसे काम करोगे। तो पर डे जो पोल होता है ना, वहां अटेंड किया करो और आंसर दिया करो, ठीक है, वोट किया करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक। हाँ चलो, आशा करता हूँ कि अगले बार से तुम लोग अच्छा करोगे, जब पोल मैं कराऊंगा तो, और पर डे लगभग मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।